And welcome to the video on fundamental of electrical engineering. Subject code is 22212. Today we have discussed about the unit number 4, that is the magnetic circuit, and subtopic is BH curve or magnetization curve and hysteresis loop. ये जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले BH curve पढ़ेंगे. अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को BH curve अच्छे से समझ में आ जाता है तो ही आपको हिस्टेरेसिस लूप अच्छे से समझ जाएगा. BH curve का ही दूसरा नाम है मैग्नेटाइजेशन कर्व. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस समरी ऑफ प्रीवियस वीडियो. वी लर्न बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एंड मैग्नेटिक सर्किट पैरामीटर्स, ऑल्सो लर्न इट्स सिंबल एंड यूनिट एंड आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट एंड देयर डिफरेंस बिटवीन इन इट. प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट दोनों का डिफरेंस पढ़ा था, दोनों का कंपैरिजन पढ़ा था, उसका एनालॉगी पढ़ा था. इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर्स और मैग्नेटिक सर्किट के पैरामीटर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. अभी ये वीडियो में हमें देखना है कि मैग्नेटिक सर्किट के जो पैरामीटर्स है उसके वर्सेस BH curve कैसे बनता है ये अभी हमें पढ़ना है. सो कोर्स आउटकम, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. लर्निंग आउटकम्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक नॉलेज ऑफ मैग्नेटाइजिंग कर्व और BH curve and identify the BH curve and hysteresis loop of magnetic and non-magnetic material. BH curve को ही हम बोलते हैं magnetizing curve. BH curve and hysteresis loop. हमने previous video में B और H ये दोनों का long form भी पढ़े थे. उसको बोलते क्या है, किससे डिनोट करते हैं, वो कौन सा पैरामीटर है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं. अगर आप लोगों ने स्टडी की होंगी तो आपको अभी याद होगा, अगर आपने स्टडी नहीं की होंगी तो आपको याद नहीं होगा. तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, बी यानी क्या एंड एच यानी क्या. तो सबके मन में ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द BH curve. BH curve क्या होता है, अभी आप याद करो कि प्रीवियस वीडियो में हमने B को किससे डिनोट किया था और H को किससे डिनोट किया था, याद आया? हाँ, मुझे तो याद आया. B यानी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H यानी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अभी आप लोगों को भी क्लिक हुआ होगा कि प्रीवियस वीडियो में एग्जैक्ट हमने यही पढ़ा था. पढ़ा तो था लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या थी ये अभी याद नहीं आ रही होंगी, है ना. तो चलो हम ये भी देख लेते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बी से. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, द फ्लक्स पर एरिया मेजर्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स इज डिफाइंड एज द फ्लक्स डेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय बी एंड फॉर्मूला ऑफ बी इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी बी इज इक्वल टू फाइ डिवाइडेड बाय एरिया. तो यूनिट क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं टेस्ला. क्लियर है. अभी एच यानी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज डिनोटेड बाय एच एंड यूनिट ऑफ एच इज न्यूटन पर वेबर और एम्पियर पर वेब मीटर और एम्पियर टर्न पर मीटर एंड फॉर्मूला ऑफ एच इज एच इज इक्वल टू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर टर्न पर मीटर, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है एम्पियर इंटू टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ इन मीटर.
क्लियर है? अभी आपको याद आया होगा बी यानी क्या, एच यानी क्या, उसकी डेफिनेशंस, उसका फॉर्मूला एंड उसका यूनिट। क्लियर है इतना? अभी हम पढ़ते हैं बी एच कर्व। बी एच कर्व को ही दूसरा नाम है मैग्नेटाइजेशन कर्व। बी एच कर्व एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रॉ बी एच कर्व और ड्रॉ मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो दोनों नेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बी एच कर्व का ही दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइजेशन कर्व। अभी ये मैग्नेटाइजेशन कर्व होता क्या है? मैग्नेटाइजेशन कर्व, द बी एच कर्व और मैग्नेटाइजेशन कर्व इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। ये यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। हमें पहले प्लॉट करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें लेना है एच एंड एक्स वाई एक्सिस पे लेना है बी, यानी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके वर्सेस है, बी एंड एच के वर्सेस। द बी एच कर्व ऑफ फिगर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिवाइडिंग इनटू द थ्री रीजन। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको जीरो मेंशन दिख रहा है। पहले हमने क्या किया, फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, प्लस एच नेगेटिव एच प्लस बी नेगेटिव बी। सबसे पहले हमने जीरो से कर्व को बनाना स्टार्ट किया है, जीरो से बनाना स्टार्ट किया है। यहां पर देखिए, अगर एच इंक्रीज हो रहा है तो बी की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हमें एक यहाँ पर पॉइंट मिला है जीरो टू एक्स, देन हमने एक्स से फिर करंट को इंक्रीज किया है। अगर करंट इंक्रीज होता है तो हमारे एच की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी बी की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखिए, पहले जीरो टू एक्स पहले इतना डिस्टेंस था, अभी हमारा डिस्टेंस इतना हो गया। मतलब जैसे जैसे हम करंट को अप्लाई करेंगे, करंट के वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगी, वैसे एच की वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगी, और जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो बी की वैल्यू इंक्रीज होंगी। मतलब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच? क्लियर है? अभी देखिए, एक्स टू जब वाई पॉइंट जो रीजन क्रिएट हो रहा है, ये जो y पॉइंट है इसका नाम होता है नी पॉइंट। क्या होता है, नी पॉइंट। नी पॉइंट यानी यहां से कर्व बेंड होता है, यहां से कर्व बेंड हो जाता है और बियॉन्ड y ये करंट इंक्रीज होते जाता है। करंट अगर इंक्रीज हो गया तो h की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन ये कंडीशन में सिर्फ h की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन b की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, b डज नॉट चेंज। तो ये जो रीजन होता है बियॉन्ड y रीजन, उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इसे ही बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। द बी एच कर्व और मैग्नेटाइजेशन कर्व इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। द बी एच कर्व ऑफ फिगर कैन बी डिस्क्राइब बाय डिवाइडिंग इनटू थ्री रीजन। थ्री रीजन यानी कौन से, जीरो टू एक्स, एक्स टू वाई सेकेंड रीजन, एंड बियॉन्ड वाई रीजन यानी सैचुरेशन रीजन, ये हो गया हमारा थर्ड रीजन। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, रीजन जीरो टू एक्स। अभी जीरो टू एक्स में क्या होता है, फॉर जीरो करंट एच इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो, द फ्लक्स डेंसिटी देन इंक्रीजेस ग्रेजुअली इज द सेम वैल्यू ऑफ एच इज इंक्रीजेस। However, B change slowly in this region and curve start with zero. Previous slide में हमने क्या देखा था कि zero to x region में क्या हो रहा है, अगर current सबसे पहले क्या होता है, current की value zero, तो x की भी value zero, तो y की भी h की भी value zero। धीरे धीरे हम current को increase करते हैं, जब current की value increase करते हैं तो एच की भी वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बी की भी वैल्यू इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट रीजन होता है रीजन एक्स टू वाई। इसमें क्या होता है, इन दिस रीजन फॉर स्मॉल इन एच देयर इज लार्ज चेंज इन बी, द कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर इन दिस रीजन, दिस लीनियरिटी कम्स टू एन एंड एट पॉइंट वाई एंड कर्व स्टार्ट बेंडिंग पॉइंट वाई इज कॉल्ड एज नी पॉइंट, एक्स टू वाई रीजन। यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो एच की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और एक यहाँ पर ऐसा पॉइंट मिलता है वाई पॉइंट जिसका नाम है नी पॉइंट, यहाँ से कर्व बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है बेंडिंग, बेंडिंग द पॉइंट वाई इज कॉल्ड एज नी पॉइंट। थर्ड रीजन होता है रीजन बियॉन्ड वाई, बियॉन्ड वाई उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। आफ्टर पॉइंट वाई द चेंज इन बी इज स्मॉल इवन फॉर अ लार्ज चेंज इन एच, फाइनली बी एच कर्व विल टेंड टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन। y पॉइंट से कर्व बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बियॉन्ड y रीजन क्या होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये सैचुरेशन रीजन में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो h की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर होती भी है तो एक स्मॉल वैल्यू में चेंज होती है, तो ये सैचुरेशन रीजन पैरेलल होता है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा एच, मतलब जो सैचुरेशन रीजन है वो पैरेलल होता है हमारे एच से, क्लियर है। तो यहाँ पर सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एच इज चेंज बट वैल्यू ऑफ बी डज नॉट चेंज, यही होता है हमारा सैचुरेशन रीजन। उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। आगे जो पढ़ने वाले हैं हिस्टेरेसिस लूप और मैग्नेटाइजेशन लूप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यही वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जो लिंक आएंगी वो क्लिक करके वो पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।